नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों से। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सीएम पद से इस्तीफा सौंपा। डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी से मिलकर बना महायुति गठबंधन विजयी हुआ है। संविधान दिवस समारोह पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मैं आज संविधान दिवस मना रहे करोड़ों भारतीयों को बधाई देता हूं। 75 साल पहले इस दिन हमारे संविधान को संहिताबद्ध किया गया था। राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में पूरा देश आज एक साथ संविधान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। संविधान दिवस समारोह पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सिर्फ बिना किसी आधार के झूठ बोलने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा। हकीकत यह है कि जो आगे लोग संविधान की इतनी चिंता कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ संविधान के साथ क्या किया। अगर संविधान की हत्या करने का काम किसी ने किया था तो वह कांग्रेस की सरकार थी। अभिनेता संजय दत्त झांसी में बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा में हुए शामिल। मुंबई में इजराइल के मध्य पश्चिमी भारत में महावाणिज्य दूत कोम्बी शोशनी ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 16वीं बरसी पर मुंबई आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को लियोपोल्ड कैफे में दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने संविधान दिवस पर कहा, कोई भी उत्सव तब तक पूरा नहीं होगा जब तक लोकसभा राज्यसभा चर्चा बहस विश्लेषण नहीं करते। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत बिगड़ने की खबर। तबीयत बिगड़ने के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स गवर्नर की सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संविधान दिवस की सालगिरह पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर लिखा, समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का पवित्र दस्तावेज है जो लोकतंत्र एवं समानता के मूल्यों को स्थापित करता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित डियोरा एल हाउस एंड किचन रेस्तरां में एक संदिग्ध विस्फोट हुआ। घटना सुबह करीब 3:15 पर हुई। रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने बताया, जब धमाका हुआ तब रेस्टोरेंट के अंदर थे 7 से 8 कर्मचारी, गरिमत रही, कोई घायल नहीं हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों की दिल्ली कूच के समर्थन में आए। कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। किसानों को अपनी राजधानी आने का पूरा अधिकार, धरने के लिए उनको जगह दी जानी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके साथ बैठक कर उनके मसले हल करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।